अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज इस लेक्चर में हम कॉर्प्रोलैप्स के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सी पी एस पी फॉर्मेट कार प्रोलेब्स एक एक्ूट इमरजेंसी है जो फीटल मोरटलिटी कॉज करती है इसका इंसिडेंस लेस देन वन परसेंट होता है तो आपने इसका इंसिडेंस याद करना है और जब भी कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तो क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटल वो उसे कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया होगा और फीटल हाइपोक्सिया की वजह से आई हो सकता है हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब तक फीटल हेड पेल्वस में फिक्स ना हो तब तक आप मेम्रेन को ब्रेक ना करें तब तक आप एमी ना करें सिंपल ठीक है अब ये स्नैल्यू क्या आता है एक तो वो इंसिडेंस पूछते हैं दूसरा वो ये पूछते हैं कि अगर आप किसी को मॉनिटर कर रहे हैं लेबर को मॉनिटर कर रहे हैं और पेशेंट का कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज द लेफ्ट लेटर द पेशेंट ठीक है उसके बाद आप ऑक्सीजिनेट करेंगे नंबर थर्ड पे आप रिप्लेस करेंगे कॉर्ड द इन वेजिना

सारे स्टेप साइमटेनियसली होते हैं लेकिन अगर तो से ड्रिप को आप बंद करें, हो जाए लेक्ट करें रिप्लेस करें इन दैजना अब क्या एम सी क्यू पूछ जाते हैं एमसी क्यू में वर्ड होता है कि पेशेंट आपके पास आई टर्म पे आपने पी वी की या पेशेंट लेबर में आई और आपने वेजिनल एग्जामिनेशन की और आपको कॉर्ड फील हो रही है वो कॉर्ड है ये पूछते हैं या फिर एमसीक्यू में होता है कि देर इज अ कॉर्ड प्रोलैप्स अब जो भी सिनेरियो हो अगर एमसीक्यू ये हो कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन है ठीक है लेबर में है टर्म पे है अल्ट्रासाउंड पर आ रहा है कि कॉर्ड की प्रेजेंटेशन है अभी प्रोलैप्स नहीं हुआ तो आप क्या ऑफर करेंगे आप कॉर्ड प्रेजेंटेशन पर सी सेक्शन ऑफर करेंगे तो ये कई दफा पूछा जा चुका है नाउ अगर कॉर्ड कॉर्ट्रिलैप्स हो गया है अब ये इंपॉर्टेंट है अभी है अब, अब देखिए अगर आपने पैरिटी देखनी है कि वो प्राइमरी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा है जाहिर सी बात है एक स्नैरियो में की वर्ड्स होते हैं तो आप जब स्नेरियो स्टार्ट हो गए आप कि पेरिटी क्या है फिर आप सर्विक्स की डायलेटेशन देखें और देखें कि सर्विक्स अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है और सर्विक्स फुली डायलेटेड नहीं है या फिर वो प्राइमरी ग्रेविडा है और सर्वेक्स फुली डायलेटेड है तो क्या करेंगे आप अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है और सर्वेक्स डायलेटेड नहीं है तो हम एमरजेंसी सी सेक्शन कर देंगे तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप प्राइमरी ग्रेविडा अगर स्नेरियो में हो विद विद्स एंड द सर्वेक्स इज नॉट फुली डायलेटेड यू विल गो फॉर एमरजेंसी सी सेक्शन ये इसकी मैनेजमेंट होगी अगर प्राइमरी ग्रेविडा हो और सर्वेक्स फुली डायलेटेड हो तो हम क्या करेंगे कि फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे अगर फीटल हार्ट रेट खराब हो, फीटल डिस्ट्रेस हो तो हमने फोरन से बेबी को निकालना है और हमने देखना है कि क्या फॉरसेब्स के प्र रिक्वेज फुलफिल होते हैं या नहीं होते यानी सर्वेक्स फुली डायलेटेड हो हेड जो है जीरो या जीरो स्टेशन से प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री पे हो और कोई कॉन्ट्राइडिकेशन फॉर सेप डिलीवरी की ना हो तो हम फॉर सेप्स लगाएंगे लेकिन अगर फीटल हार्ट रेट नॉर्मल हो सर्वेक्स फुली डायरेक्शन है कोई कॉन्ट्रेडिकेशन नहीं है वैक्यूम के अप्लाई करने की तो वी विल अप्लाई वैक्यूम और ये कब मुमकिन है जब प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो किफेलिक होगा यूं अगर हम स्टार्ट करें कि, कि किसी भी सैरी में देखा हो कि आप प्राइमरी ग्रेविडा ठीक है अब उसमें कॉर्ड प्रोलैप हो गया है एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट इज के फैलिक शी इज फुली डायलेटेड फिटल हार्ट रेट इज एव नॉर्मल हेड इज एट प्लस वन स्टेशन वट यू विल विल डू यू अप्लाई फॉर इफ देर इज अ प्राइमरी ग्रेविडा एंड शी इज फुली डायलेटेड एंड देर इज प्रेजेंटेशन और कॉर्ड और फिटल हार्ट रेट्स आर नॉर्मल अगर वो नॉर्मल हैं तो पहले आप वैक्यूम अप्लाई करें और अगर लिखा हो कि प्राइमरी ग्रेविडा है कॉर्ड वो है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो फिर जाहिर सी बात है आप एमरजेंसी सी सेक्शन करेंगे तो एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ अगर कॉर्ड वो है और पेशेंट जो है वो मल्टी ग्रेविडा है किसी भी स्नैरियो में लिख दिया जाए फिर आपने अगेन देखना है कि सर्वेक्स की डायरेटेशन और अगर सर्वेक्स सेवन सेंटीमीटर से ज़्यादा डायरेटिड है या एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर से ज्यादा डायरेटेड है तो आप वैक्यूम अप्लाई कर सकते हैं हमने कहा था कि हम वैक्यूम हम तब, हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर सर्वेक्स सेवन सेंटीमीटर से ज्यादा या एट सेंटीमीटर से ज्यादा डायरेटेड हो और पेशेंट ग्रेविडा हो और प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए ये ही याद रहे कि तमाम जो प्री रिक्यूज हैं वो फुलफिल होने चाहिए कोई कॉन्ट्राइंडेसन नहीं होना चाहिए यानी अगर लिखा जाए स्नैरियो में कि पेशेंट मल्टी मल्टीग्राइविडा है स्टेशनल एज थर्टी टू वीक्स है तो ये तो कॉन्ट्सुलट कॉन्ट्राइंडेषन है वैक्यूम के अप्लाई करने की तो इस सूरत हाल में हम वैक्यूम अप्लाई नहीं करेंगे अगर तमाम चीज़ें स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही हैं तो आप वैक्यूम अप्लाई कर देंगे

और सर्विक्स की अपने डायलेटेशन देखिए है और फुली डायलेटेड है प्रेजेंटिंग पार्ट की फैलिक है तमाम वर्ड्स होने चाहिए आपने फीटल हार्ट रेट देखने हैं अगर और ये जो ये वाला जो था ना इसमें अगर फीटल हार्ट रेट खराब आ रहे हैं तो फिर आप वैक्यूम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वैक्यूम के अप्लाई करने के फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर मल्टी ग्रेविडा है कॉर्ट प्रोलैप्स है फीटल डिस्ट्रेस है एट सेंटीमीटर आप सी सेक्शन कर दें

तो आप क्या करेंगे कि आप वैक्यूम अप्लाई करेंगे सो so, ये बहुत आसान है इसकी आपने बस प्रैक्टिस करनी है पेशेंट टर्म पे है कॉर्ड प्रेजेंटेशन है आप उसको ऑफर करेंगे सी सेक्शन अगर लेबर में है तो इमरजेंसी सी सेक्शन कर देंगे अगर कॉर्ट प्रोलेप्स है आपने अगर लिखेंगे कॉर्ड प्रोलेप्स है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो जाहिर सी बात है तब तो आप ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते फिर आप इमरजेंसी सी सेक्शन कर देंगे तो ये टोटल फाइव टू टेन एम बनते हैं इनको किसी जगह पे लिख लें और उनकी प्रैक्टिस करें अब वो तमाम कंडीशन जिनमें आप वेजनल डिलीवरी नहीं कर सकते वैक्यूम और फॉट्सअप अप्लाई नहीं कर सकते या उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या प्री रेकुल्स फुलफिल नहीं हो रहे और आपने एमरजेंसी सी सेक्शन करना है जैसा कि प्राइमरी या मल्टी ग्रेविडा हो फाइव सेंटीमीटर डायलेटेड है कॉर्ड प्रोलैप्स है तो जाहिर सी बात है आप वेजनल डिलीवरी नहीं कर सकते तो आप एमरजेंसी सी सेक्शन करेंगे तो जितने टाइम के लिए पेशेंट को आपने थिएटर में शिफ्ट करवाना है उस टाइम तक के लिए हम पेशेंट की कुछ पोजीशंस या कुछ मयर्स करेंगे ताकि कॉर्ड पर प्रेशर तब तक ना पड़े तो फीटल हार्ट नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो तो बेहतर है कि आप ये काम करें क्या आपने करना है सबसे पहले आपने उसकी क्या पोजीशन आप बना सकते हैं नी एल्बो पोजीशन बना सकते हैं कि वो अपने नीस और अपने एल्बो पर लाइक करें उससे क्या होगा उसका प्रेशर कॉर्ड पर नहीं पड़ेगा इसके अलावा हम कौन सी पोजिशन बना, बना सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि हम हाथ के जरिए प्रेजेंटिंग पार्ट को अपवर्ड मूव करें तो जिसकी वजह से कॉर्ड पर प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाएगा तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी हो उसको आपने अपवर्ड पुश करना है तो दैट इज़ द मैनुअल एलिवेशन ऑफ द प्रजेंटिंग पार्ट और बाद का यही होता है कि एक जो डॉक्टर है वो इस तरह से मैनुअल एलिवेशन ऑफ प्रजेंटिंग पार्ट करते हैं और इसी तरह से पेशेंट को ओ टी में शिफ्ट किया जाता है इसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप पेशेंट को कैथेटराइज कर दें और ब्लैडर को फिल कर दें विध फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ नॉर्मल सिलाइन और उसके बाद आप उसको क्लैम कर दें तो ये तमाम मैयर्स आप करते हैं बिफोर एमरजेंसी सी सेक्शन ताकि कॉर्ड पर प्रेशर कम से कम हो तो ये तमाम मैय औस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि वट पोजिशन यू विल मेक और वट मयर्स यू विल डू आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क थैंक्स